अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद। तो भाई आज हमारे ट्रैवल का है डे टू। डे वन में हमने कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल किया था और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खौर हुई थी। बीच में हमारी बस भी ख़राब हो गई थी और जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुँचे थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो खैर किसी तरह हम लोगों ने उस दिन को सर्वाइव किया। अब आज हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह कश्मीर के लिए। अभी बस चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोगों ने बाइक वगैरह जो है अपनी रेडी कर ली है, सारा सामान वगैरह जो है वो बांध दिया है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये मेरी बाइक खड़ी है, इसमें मैंने सारा सामान वगैरह जो है वो लोड कर दिया है। और दूसरी बाइक ये है, इसकी भी जो है वो बाइक हमारी जो है वो सारा सामान हमने लोड कर दिया है। हमारे साथ ट्रैवल में तैमूर, तलाल और अरहम। तो अब निकलते हैं, ट्रैवल को कंटिन्यू करते हैं। तो जी अभी हम रुके हैं नाश्ते वगैरह के लिए, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं। बीच में हम रुके थे टायर पर और एक साइड ग्लास जो है वो लगवा रहे थे। तो अभी बस नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। हनीफा, अभी हमने अगापुरी मंगवाई है और हम कश्मीर का रास्ता चेक कर रहे हैं कि किस किस तरह जाएंगे हम लोग यहाँ से। हाँ यहाँ चेक करो, आज़ाद कश्मीर हो रहा है। नाश्ता अपना आ चुका है, हलवा पूरी और ऐसी है। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख़र किया, वरना हम इसको काबू करने की सलाहियत ना रखते थे, और एक न एक दिन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। आमीन सुबह आमीन। या अल्लाह पाक हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरे और रास्ते में कोई मुश्किलात ना आए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं कश्मीर के लिए। और कश्मीर यहाँ से तकरीबन जो मुझे लोकेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 घंटा 5 मिनट की, 134 किलोमीटर्स। तो दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। बीच में कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे, कोई रुकावटें नहीं आएंगी और हम अपना सफ़र जो है वो अपनी मंजिल के जाने पर रवाना हुआ रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की अमान में, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अभी चलना है, पेट्रोल का टैंक फुल करवाना है। बस एक वो स्टॉप है हमारा जो हम टैंक फुल कराएंगे, उसके बाद हम कहीं भी नहीं रुकेंगे, फिर सीधा इंशाल्लाह हम आज़ाद कश्मीर। जो रूट हमारा है वो फ़िलहाल अभी जो लोकेशन के हिसाब से हमने देखा है वो मरी रोड से हमें लेके जा रहा है। वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा आज़ाद कश्मीर का तो वहाँ से जो है हम जा सकते हैं। ये अभी हम अपने टर्मिनल से ही गुज़र रहे हैं जहाँ से कल हम उतरे थे, और उसी रास्ते से जो है ना मरी रोड का रास्ता निकलता है आगे। फैज़ाबाद 26 नंबर टर्मिनल, पिंडी। हाँ आई नो,
आई होप कि छोटा मोटा ही कोई मसला हुआ हो तार वार का। ओहो भाई यहाँ से तो बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं, एक लाइन में चलना पड़ेगा। तो भैया कहूटा के रास्ते में हमें वर्कशॉप मिल गई थी, ये भाई जो है अभी चेक कर रहे हैं कि क्या मसला हुआ है। ये यहाँ से जो है हमारा बैटरी का जो तार था वो लूज़ हो गया। जी जी अच्छा कहाँ है? अच्छा शॉपर बट प्रिंटर भाई अभी रुके हैं, आगे बारिश हो तो बेहतर है कि हमारे जो कपड़े हैं और जो सामान है सारा वो कवर हो जाए, तो उसके लिए हम एक शॉपर वगैरह जो है वो ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है।
जी मामा, तीन कब? हाँ हाँ भाई, कैसा गुजर रहा है सफ़र? मज़ा आ रहा है? हाँ, थकन तो नहीं हो रही तुम्हें? तुम्हें थकान हो तो तुम पीछे बैठ जाना, रेस्ट करना, कमर को रेस्ट मिलेगा, मैं चला लूँगा बाइक। अगर थक जाओ तो बता देना। आगे कश्मीर साइड पे भी गर्मी मिलेगी क्या भाई? एक मामा के पास रुके हैं अभी हम, थोड़ा नींबू पानी पीने, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ से अभी तकरीबन एक घंटे का रास्ता हमारा रह गया कश्मीर का, और ये अभी पैच रोड बिल्कुल बेहतरीन है, मतलब छोटी छोटी जगहों पे आ रहा है, कोई ऑफ रोड आता है थोड़ा सा आधा पौना किलोमीटर का, फिर वहाँ से जो है वो रोड क्लियर हो जाता है, तो फिर इस तरह से चल रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा बम्पी और डेंजरस रोड भी नहीं है, मतलब हम आराम से जो है जा सकते हैं। तो ये था जी हमारे डे टू का पार्ट वन। इस वीडियो में हमने कवर किया पिंडी से कहूटा और कहूटा से ऑन वे टू रावलाकोट, और यहाँ पर अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया था पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसका पार्ट टू जो है मैं बाद में अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।